हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम नंबर्स को किसी खास रूल के तहत खास ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो सीक्वेंस कहलाता है। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। और वो जो नंबर यूज होता है उसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। और जिस पोजीशन पे वो नंबर होता है, जैसे अगर एंथ प्लेस पर वो नंबर है तो उसको हम लोग एंथ टर्म बोलेंगे। जैसे पाँचवें प्लेस पर नंबर है तो उसको हम लोग फिफ्थ टर्म बोलेंगे। छठे प्लेस पर वो नंबर है तो उसको सिक्स टर्म। उसी तरह से एंथ प्लेस पर जो नंबर है उसको हम लोग एंथ टर्म, और एंथ टर्म को हम लोग टी एन या फिर ए एन से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, सीक्वेंस का क्या एग्जाम्पल है। जैसे डिफिनिट रूल फॉलो करने वाला, जैसे हम मान लेते हैं इवन नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डॉटेड लाइन, मतलब ये इन्फाइनेटली आगे जा रहा है। तो ये तो एक डिफिनिट रूल फॉलो कर रहा है कि इवन नंबर है, और एक डिफिनिट ऑर्डर भी फॉलो कर रहा है। कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है? तो ये बढ़ते क्रम में है, है ना। सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, ये बढ़ते क्रम में है। तो डिफिनिट रूल और डिफिनिट ऑर्डर दोनों फॉलो कर रहा है, और इस हिसाब से नंबर को अरेंज किया हुआ है। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है। अब इवन नंबर का जो रूल फॉलो कर रहा है उसके अलावा और भी इसमें रूल फॉलो हो रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो टर्म है वो पहले वाले टर्म से, कोई भी टर्म को देखिए, वो पहले वाले टर्म से दो ज़्यादा है। जैसे इसको देखिए, 2 से 2 ज़्यादा है 4, 4 से 2 ज़्यादा हो गया 6, 6 से 2 ज़्यादा 8, 8 से 2 ज़्यादा हो गया 10। तो अगर हम आपको बोले कि सिक्स्थ टर्म निकालिए तो 1, 2, 3, 4, 5 सिक्स्थ टर्म, मतलब 2 ज़्यादा होगा 12 हो जाएगा, समझ गए। तो एक रूल तो ये फॉलो हो रहा है कि इसका जो भी टर्म है अपने पहले वाले टर्म से दो ज़्यादा है। इसमें एक और भी रूल फॉलो हो रहा है, वो क्या है? तो देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग टी वन मानते हैं। ये सेकेंड टर्म है, इसको टी टू मान लेते हैं। थर्ड टर्म को टी थ्री, फोर्थ टर्म को टी फोर, इस तरह से मान लेते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे टी वन इक्वल टू टू, टी टू इक्वल टू फोर, टी थ्री इक्वल टू सिक्स, टी फोर इक्वल टू एट। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा तो पता क्या चलेगा कि जिस पोजीशन पे वो नंबर है उसका वो दोगुना है, है ना। जैसे ये दोगुना है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट का, ये दोगुना है सेकंड पोजीशन का, ये सेकंड पोजीशन पे फोर था ना, तो उसका दोगुना हो गया फोर। ये जो नंबर है वो दोगुना है अपने थर्ड पोजीशन पे है तो थर्ड का, ये दोगुना है अपने फोर्थ पोजीशन का। तो यहाँ से एक और रूल निकल के आ रहा है कि इसका जो टर्म है, मतलब अगर एंथ टर्म निकालना होगा इसका, तो वो अपने उस एनवे पोजीशन का दोगुना होगा। ये जो फार्मूला आया इस पर्टिकुलर के लिए, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का आया। अब यहाँ से आपको कहा जाए कि सिक्स टर्म निकालिए, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। एन की जगह सिक्स पुट करिएगा, आपको निकल जाएगा 12। और पहले वाले रूल से भी निकाले थे प्लस टू ऐड करके, और इवन नंबर है तो 10 के बाद अगला इवन नंबर 12 है। तो आप लोग सीक्वेंस समझ गए होंगे कि यदि किसी नंबर को किसी खास रूल के तहत खास ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो वो सीक्वेंस होता है। अब हम लोग सीक्वेंस का कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, -3, -9, -27, -81, ये डॉटेड लाइन है, मतलब आगे इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो आपको बताना है कि क्या ये सीक्वेंस है या नहीं है। तो अगर ये कोई डिफिनिट रूल फॉलो कर रहा है तो सीक्वेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, गौर से देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो टर्म है, आप किसी भी टर्म को ले लें, सेकेंड प्लेस का, एंथ प्लेस का, कोई भी टर्म, वो अपने पहले वाले टर्म का तीन गुना है। जैसे कि अगर हम -9 को ले लें तो ये तीन गुना है अपने पहले वाले टर्म का। -27 को अगर ले लें तो ये तीन गुना है अपने पहले वाले टर्म का। -81 को ले लें तो ये तीन गुना है अपने पहले वाले टर्म का। तो ये एक डिफिनिट रूल तो फॉलो कर रहा है और एक डिफिनिट ऑर्डर में भी है। तो ये आपका सीक्वेंस है, ये जो नंबर का अरेंजमेंट आपका है ये सीक्वेंस है। थर्ड बताइए, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे अगर लिख दें 3, 6, 9, 10, 13, क्या ये सीक्वेंस है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है,
लेकिन यहाँ पर वन का डिफरेंस है, वहाँ फिर थ्री का डिफरेंस आ गया, तो ये एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपका सीक्वेंस नहीं है। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ये बताइए ये सीक्वेंस है या नहीं। तो आप देखिएगा कि ये जो हमने पूरे नंबर्स को लिखा है, जो अरेंज किया है, ये दरअसल एक प्राइम नंबर है, मतलब एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है, और रूल ये है कि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का अरेंजमेंट किया हुआ है हमने बढ़ते क्रम में, तो ये एक सीक्वेंस है, एक डिफिनिट रूल और डिफिनिट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो ये एक सीक्वेंस है। तो उम्मीद है आप लोग सीक्वेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सीक्वेंस क्या होता है। अब आते हैं सीरीज पर। सीरीज सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो भी सीक्वेंस है उसको आप ऐड कर दीजिए, वो सीरीज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सीक्वेंस का एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से था, तो ये तो आपका हो गया पूरा सीक्वेंस। अगर इसको आपको सीरीज बनाना है तो प्लस ऐड कर दीजिए, बस सिर्फ प्लस लगा दीजिए, ये आपका हो गया सीरीज। एक और एग्जांपल हम लिए थे, -3, -9, -27, -81, ये भी सीक्वेंस है क्योंकि इसमें कॉमा है, प्लस का साइन नहीं है, इसमें हम प्लस करेंगे, -3, +-9, +-27, +81, प्लस आगे बढ़ते जाएगा, ये आपका बन गया सीरीज। ठीक है, इसी को आप आगे सॉल्व करिएगा तो इस तरह से बन जाएगा। उम्मीद है आप लोग सीक्वेंस और सीरीज दोनों समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस विच एग्जिबिट अ पर्टिकुलर पैटर्न। प्रोग्रेशन सीक्वेंस ही है जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे हमने सीक्वेंस में देखा था, आप पीछे आइए आपको दिखाते हैं कि कुछ जो इसमें पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कुछ नहीं। ये आपका एग्जाम्पल पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि आपका कोई भी टर्म निकालना होगा, tn इसमें 2n के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें जो प्राइम नंबर वाला था, ये सीक्वेंस देखिए, ये सीक्वेंस है, पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है लेकिन पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा है। रूल ये है कि ये प्राइम नंबर है, उसको अरेंज कर दिया हमने डिफिनिट ऑर्डर में तो सीक्वेंस बन गया, लेकिन क्या ये पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर पा रहा है? तो यहाँ पे देखिए, इसमें आप 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, इसमें 4 ऐड कर रहे हैं, ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। तो इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर पा रहा है, मतलब उसका जो nth टर्म है वो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रोग्रेशन के पास एक डिफिनिट फार्मूला होगा आपको nth टर्म फाइंड करने के लिए, और सीक्वेंस के पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इवन नंबर वाला, 2, 4, 6, 8, 10, 12, डॉटेड, मतलब ये इन्फाइनाइटली आगे जा रहा है, ये आपका सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है क्योंकि ये पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है, पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर्स अरेंज हैं। अब क्या ये प्रोग्रेशन है, हमको ये देखना है। तो अब देखिए कि क्या ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हाँ, फॉलो कर रहा है, सब में दो दो ऐड होते जा रहा है। ठीक है, रूल तो लगा कि ये इवन नंबर है। ठीक है, अब हमने पैटर्न देखा कि हाँ, एक तो मिला, दूसरा पैटर्न जो हमने सीक्वेंस वाले एग्जांपल में ही बताया था कि इसका जो nth टर्म है फाइंड कीजिएगा वो 2n के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसमें हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए एक रूल मिल गया, या फिर कह सकते हैं कि एक और पैटर्न मिल गया कि जिस जो भी टर्म आपको निकालना है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे सेकंड टर्म निकालना है 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 हो जाएगा। थर्ड टर्म निकालना है तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो जाएगा। फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 हो जाएगा इस सीक्वेंस के लिए। तो हम इसमें फार्मूला निकाल पा रहे हैं nth टर्म निकालने का, या फिर कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है यह सीक्वेंस, तो ये आपका प्रोग्रेशन भी है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, प्राइम नंबर वाला, 2, 3, 5, 7, 11,
ये आपका सीक्वेंस है, लेकिन क्या ये प्रोग्रेशन है? तो देखिए, तो ये जो नंबर्स है जो अरेंज किए हम लोग नंबर, ये तो पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है कि ये प्राइम नंबर है और पर्टिकुलर ऑर्डर में भी है, उसी में अरेंजमेंट है, तो ये सीक्वेंस हो गया। क्या ये प्रोग्रेशन है? तो चेक कीजिए कि ये जो नंबर्स है ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या। दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो नहीं कर पा रहा है। आप चेक कीजिएगा, जिस भी तरीका से आप चेक करना चाहें, ये जो प्राइम नंबर है किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब अगर हम इसका कोई nth टर्म निकालना चाहें, जैसे अगर हम कहें कि इसका 12th टर्म बताइए क्या होगा, तो आप प्राइम नंबर से ही पता कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई फार्मूला आप जनरेट नहीं कर सकते, किसी फार्मूला के थ्रू आप फाइंड नहीं कर पाएंगे कि इसका 12th नंबर पे प्राइम नंबर क्या होगा। इसका मतलब आप इसका nth टर्म किसी फार्मूला के थ्रू आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो प्रोग्रेशन आपने समझ लिया, प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन तीन टाइप के हैं आपको पढ़ने के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। टेंथ में तो आपका है सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना, लेकिन इलेवेंथ में आपको तीनों पढ़ना है, इलेवेंथ ट्वेल्थ में आपको इंटर्न पढ़ना है। देखिए, आपको इसको सिंपली अगर समझाएं, तो जो टर्म्स था ना, जो टर्म्स था, तो प्रोग्रेशन का जो टर्म है, अगर उनके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। उसी चीज़ का यहाँ पे लिखा हुआ है। अ सीक्वेंस A1, A2, A3 है, An तक है, इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब, इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉन्स्टेंट नंबर डी सच डैट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मतलब an टर्म और an के पहले वाला टर्म सब अगर हम माइनस करके देखें, मतलब बाद वाले टर्म से अगर पहले वाले टर्म को माइनस करें, तो एक कांस्टेंट आना चाहिए जिसको कि हम लोग डी बोल रहे हैं। अगर वो कांस्टेंट आता है तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और इस डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम लें, तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये प्रोग्रेशन तो है, आपको अभी ही बताएं, क्योंकि ये सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन भी है। प्रोग्रेशन इसलिए है कि आप टी एन इसका निकाल सकते हैं, nth टर्म इसका फाइंड कर सकते हैं किसी फार्मूला के थ्रू, ठीक है। और इसका टी एन का फार्मूला भी आपको बताए थे, टी एन इक्वल टू 2n। अब हमको क्या करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो आप देखिए, तो इसका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म फाइंड कीजिए, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। देखिए, तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, 2, 2, 2 सब में, मतलब ये जो टर्म्स हैं इनके बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल आ रहा है, जो कि कॉमन आ रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? कॉमन। और वो डिफरेंस कितना है? 2। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस कॉमन आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो ये जो हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। एक पर्टिकुलर रूल को तो फॉलो कर ही रहा है इंटर फाइंड करने के लिए, तो प्रोग्रेशन हो गया, और इनके बीच का डिफरेंस कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे अगर हम ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लें, 4, 9/2, 5, 11/2, 6, इस तरह से। तो बताइए, क्या ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो चेक कीजिए कि इन दोनों के जो टर्म्स हैं इनके बीच का डिफरेंस कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो 9/2 - 4 कीजिए, 9/8 - 2, 1/2 आ गया, 5 - 9/2 करिए, 10 - 9/2, फिर से 1/2 आ गया, 11/2 - 5 कीजिए, 11 - 10/2, 1/2 आ गया, एक और बच गया उसको भी देख लेते हैं, 6 - 11/2, 12 - 11/2, 1/2 आ गया। आगे ऐसे भी आप चेक करते जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्रेशन है, इसमें टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है, जब हम बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस कर रहे हैं,
तो 1/2 आ रहा है, मतलब डिफरेंस कॉमन है, कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है, तो ये आपका एपी है, ये भी आपका एपी है। इसको आप सीक्वेंस भी कर सकते हैं, प्रोग्रेशन भी कर सकते हैं, एपी भी है ये, समझ गए, ये आपका सीक्वेंस भी है, एपी भी है, प्रोग्रेशन भी है। अब अगर इसी में आपको बोल दिया जाए कि बताइए, पांच को टर्म तो आपने लिख लिया, छठा टर्म बताइए क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 ऐड हो रहा है सब में, यहाँ भी 4 में 1/2 ऐड किया, 9/2, 9/2 में 1/2 ऐड किया तो 5 हो गया, तो 6 टर्म निकालना है तो 6 में 1/2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13/2, तो इसको आप लिख दीजिए 13/2। नेक्स्ट टर्म बताना है तो उसमें फिर 1/2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7। इसको आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए इसको हम बताते हैं आपको, 4 ये जो बटा में लिख दिया है ना, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, इसको आप डेसिमल में तोड़ लीजिए, तो इसको आप कर दीजिए 4, 4.5, 5, 5.5, 6। देखिए तो 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का मतलब क्या हुआ, 1/2 ही तो हुआ। नेक्स्ट टर्म फिर से 0.5 ऐड कर दीजिए, फिर इसके बाद वाला टर्म में भी फिर से 0.5 ऐड कर दीजिए, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे था। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सिंपल सा चीज़ आपको समझना है, जो भी आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है नंबर का, आप टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कीजिए, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, कोई भी टर्म उठाइए उसके पहले वाला टर्म से माइनस कीजिए। अगर बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म करने के पर आपको डिफरेंस कॉमन मिल रहा है तो वो एपी है, समझ गए। जैसे क्वेश्चन है एक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शो करना है कि ये जो प्रोग्रेशन है 11, 6, 1, -4, -9, ये एपी है। अगर पहले शो करना है कि एपी है, उसके बाद इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस, पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, उसी से तो पता चलेगा कि एपी है कि नहीं है। तो 6 माइनस 11 करिएगा -5, 1 माइनस 6 करिएगा -5, -4 -1 कीजिएगा तो -5, -9 -4 कीजिएगा। बाद वाला टर्म को पहले वाला टर्म से माइनस करना होता है कॉमन डिफरेंस के लिए, समझ गए। तो बाद वाला टर्म माइनस था, -9 था, उसको माइनस किया -4 से, तो माइनस माइनस प्लस, फिर से आ गया -5। तो देखिए तो ये डिफरेंस है जो बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म वो इक्वल आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना बन गया यहाँ पे -5, और कॉमन डिफरेंस मिल रहा है इसमें, इसलिए ये एक एपी है। सो भी हो गया और हमको कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, और फर्स्ट टर्म क्या है 11, समझ गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि शो करिए कि ये जो दिया हुआ है नंबर ये एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो एपी के लिए तो हमें पहले कॉमन डिफरेंस ही निकालना होगा। नंबर क्या है आपका √7, √28, √63, इस तरह से। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 7, इस तरह से। ये क्या हो जाएगा आपका √7, ये 2√7, ये 3√7, इस तरह से है। अब इसमें डिफरेंस निकालिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 √7 में से 1 √7 चला गया, 1 बचा, 3√7 -2√7, 3 √7 में से 2 √7 चला गया, फिर से 1 √7 बचा। ऐसे भी इसको देख सकते हैं, अगर रूट वाला समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप √7 कॉमन करिए, दोनों में है ना, इसमें 2 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, √7 × 1, √7 बच रहा है। सिंपली क्या करते हैं कि 2 √7 है उसमें से 1 √7 घटा दिए तो 1 ही √7 बचा, ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि डी क्या मिल रहा है मेरा √7, मतलब इसमें टर्म्स के बीच में डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस सिर्फ होने से नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस √7 है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, तो ये एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ √7, ठीक है, समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी निकालना है और नंबर दिया हुआ है आपका a 9 b 25। ये इनफाइनाइट नंबर नहीं है, ये फाइनाइट नंबर है, इसमें सिर्फ 4 ही टर्म दिए हुए हैं, और कह रहा है कि ये एपी है ऑलरेडी। तो आप बात समझिए, अगर टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन है तो ये एपी है, और अगर एपी है तो ठीक इसका उल्टा कर दीजिए कि मतलब उसके टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन है, कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगा,
इसका मतलब ए पी है, तो क्या होगा कि 9 माइनस 1 करेंगे तो वही आएगा जो बी माइनस 9 करने पे आएगा, वही आएगा जो 25 माइनस बी करने पे आएगा, ये बी है आपका, समझ गए। अब यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिला, तो यहाँ देखिए तो बी बी ये दोनों एक वेरिएबल वाला है, तो इसको हम लोग पहले इक्वल कर लेते हैं, तो इससे हमको बी का वैल्यू मिल जाएगा, 2b इक्वल टू कितना 34, 17 बार में कट गया, b का वैल्यू कितना आ गया 17। फिर अब इन दोनों को आप ले सकते हैं या फिर इन दोनों को भी ले सकते हैं, किसी को भी लीजिए, चलिए हम आपको लिए दोनों को ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए, 9 माइनस a इक्वल टू, आंसर एक ही आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं, 9 माइनस a इक्वल टू b कितना था 17 अभी आया है, माइनस 9, तो 9 माइनस a इक्वल टू 8, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू a, a का वैल्यू कितना आ गया 1। या फिर अगर आप इन दोनों को लीजिएगा तब भी a का वैल्यू 1 ही आएगा, 9 माइनस a इक्वल टू 25 माइनस b कितना हो जाएगा, 9 माइनस a इक्वल टू 25 माइनस 17, 9 माइनस a इक्वल टू 8, फिर से 9 माइनस 8 इक्वल टू a, a का वैल्यू आ गया 1, ठीक है, समझ गए आप, b का वैल्यू 17, a का वैल्यू 1। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, चलिए वेरीफाई करते हैं, तो इस नंबर के जगह पे हम इसका जो वैल्यू आया उसको हम पुट करके देखते हैं, तो a कर दीजिए 1, b हो गया आपका 9, सॉरी आपका सेकेंड टर्म 9, थर्ड टर्म होगा b मतलब 17 और फिर 25। तो देखिए तो ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनके बीच का डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, कितना है इसमें आ रहा है आपका 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, है ना, आपका आंसर सही है, समझ गए। अब हम लोग एपी का जनरल फॉर्म देखते हैं क्या होता है, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये एक एपी है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है 2, कोई भी एक टर्म लीजिए उसका पहले वाला टर्म माइनस कीजिए 2 मिलेगा। इसका जो फर्स्ट टर्म है 3, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं जनरली एपी में, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, एपी में हम लोग जनरली फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 3 प्लस 2, है ना, अब ये जितना आया उतना प्लस 2, फिर ये जितना आया उतना प्लस 2, कहने का मतलब क्या हुआ, ये 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये जो आ रहा है आपका कॉमन डिफरेंस जब 2 है, तो आप नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या कर रहे हैं कि पहले वाले टर्म में 2 ऐड कर दे रहे हैं, 3 था 2 ऐड किए 5 मिल गया, फिर 2 ऐड किए 7 मिल गया, फिर 2 ऐड किए 9 मिल गया, फिर 2 ऐड किए 11 मिल गया, ऐसे ही 2 ऐड करते जाएंगे हमको नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। तो सपोज इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी बी ए या इज ए, कुछ भी लिखिए आप, मान लेते हैं कि ए है, एंड कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, तब जनरल फॉर्म क्या होगा एपी का, फर्स्ट टर्म तो आपका ए हो गया, नेक्स्ट वाले टर्म में डी आपका ऐड हो जाएगा जो कॉमन डिफरेंस है, उसके नेक्स्ट वाले में इसमें डी ऐड हो जाएगा, तो एक डी है, एक और डी ऐड करेंगे 2d, फिर नेक्स्ट में फिर डी ऐड हो जाएगा तो 3d, फिर नेक्स्ट डी में फिर नेक्स्ट टर्म में फिर डी ऐड हो जाएगा 4d, नेक्स्ट टर्म में फिर डी ऐड हो जाएगा 5d, ये आपका हो गया एपी का जनरल फॉर्म, इसी तरह से सारा एपी रहता है, समझ गए। उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाइए, आपको एपी का नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म तो देख लिया आप लोगों ने, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, इस फॉर्म में रहता है कोई भी एपी रहेगा तो।
जनरल टर्म क्या होता है एपी का। तो अगर कोई एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तब उसका जनरल टर्म हो जाएगा आपका टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपकी किसी भी एपी को आप इस फॉर्म में उसका जनरल टर्म लिख सकते हैं, किसी भी एपी को। जैसे वो सिंपल सा एग्जांपल जो था उसी को लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इवन नंबर वाला। हमने बताया था कि इसका जनरल टर्म 2n है, मतलब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला सही है। ये भी होगा, ये जो फार्मूला ये यूनिवर्सल है, सारा एपी के लिए वैलिड है। अब ट्राई करके देखिए, इससे आपका 2n ही आएगा। tn का फार्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a की जगह कितना यहाँ पे 2 है, n नहीं पता इनफाइनाइट है, d कितना है तो कॉमन डिफरेंस इस एपी का है 2। सॉल्व करिए, 2 प्लस 2n माइनस 2 2n, तो यहाँ से आ गया ना tn इक्वल टू 2n इस एपी के लिए, समझ गए। तो ये जो फार्मूला है ये सबके लिए वैलिड है, जितना एपी है आप इस फार्मूला से सारे एपी का जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसका एंथ टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, ये जनरल टर्म है उसका, समझ गए। जैसे वो जो पॉइंट वाला हमने एग्जांपल लिया था उसको देखते हैं, वो क्या था, 4, 4.5, 5, 5, 5.5, 6। अब हमने बोला कि आप इसका सेवेंथ टर्म बताइए, ठीक है, या सेवन छोड़िए नाइन्थ टर्म बताइए, मतलब टी नाइन इसका क्या होगा। तो फार्मूला भी बताया हमने, जनरल टर्म क्या होता है एपी का, कोई भी टर्म आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही हुआ जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब एपी का कोई भी टर्म को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, ठीक है। ए यहाँ पे 4 हो गया, एन, एन का मतलब वो टर्म, तो कौन सा टर्म हमको निकालना है, नाइन्थ टर्म, तो 9 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5 का, उसको 1/2 कर लेते हैं, 0.5 मतलब 1/2 समझिए, 4 प्लस 8 इंटू 1/2, 4 8 आया, नाइन्थ टर्म इसका 8 आया। चलिए चेक कीजिए, इसमें देख रहे थे कॉमन डिफरेंस 0.5 का है, मतलब 0.5 ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा, ये 6.5, ये 7, ये 7.5, ये 8, ये 8.5, ये 9, ये 9.5, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब चेक कीजिए क्या नाइन्थ टर्म में 8 आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया ना। तो अगर आप इस तरह से जोड़ जोड़ कर बढ़ाइएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगा। अब जैसे इसको हम कह दें कि आप निकालिए 100 टर्म, तो आप 100 बार जोड़िएगा, 0.5 जोड़ते जाइएगा, उतना नहीं करना है, सीधा फार्मूला बैठाइए, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए पी के लिए आप कोई भी टर्म आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, समझ गए। अब बात कर लेते हैं ज़रा इसका प्रूफ का, ये यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं है, प्रूफ हमने निकालने के लिए लिखा था, इसको प्रूफ देखते हैं हम कि कैसे आया, ठीक है। प्रूफ किसका, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, इसका प्रूफ करेंगे कि कैसे ये आया। तो आप दो तरह से इसको आप फाइंड कर सकते हैं, इसका प्रूफ पता कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन करके। जैसे फर्स्ट टर्म ए है, अब जनरल फॉर्म आपको हम बताए थे, इसको हम फर्स्ट मेथड बता रहे हैं। जनरल फॉर्म क्या था एपी का, ए था फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म था ए प्लस डी, थर्ड था ए प्लस टू डी, फोर्थ है ए प्लस थ्री डी, इस तरह से था। तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, तो इसमें फर्स्ट टर्म में ए है, सेकेंड टर्म में ए प्लस डी है, टी थ्री है आपका ए प्लस टू डी, टी फोर है आपका ए प्लस थ्री डी, टी फाइव हो जाएगा ए प्लस फोर डी। तो आप जौन सा टर्म लिख रहे हैं, जो टर्म आप लिख रहे हैं उससे एक कम डी आ रहा है। जैसे फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं तो इसमें जीरो डी आ गया, इसको हम इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, जीरो डी है। सेकेंड टर्म लिख रहे हैं तो एक कम डी आया, थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो एक कम डी, टू डी आ गया, इसको हम लिख सकते हैं।
सेकेंड टर्म लिख रहे थे तो एक कम डी आ गया, थर्ड टर्म लिख रहे थे तो थ्री में से एक कम माइनस कर दिया उतना डी आ गया, फोर्थ टर्म लिख रहे थे तो फोर में से एक कम डी आ गया। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म लिख रहे थे तो उसमें से एक कम डी आ गया, समझ रहे हैं ना। तो हम देख क्या रहे हैं कि जो भी टर्म आप एपी में जो भी टर्म आप लिख रहे हैं वो एक कम डी उसमें मिल रहा है हमको, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें चलिए बताइए आप टी टेन बताइए, तो क्या कहिएगा, ए प्लस टेंथ टर्म है तो एक कम डी मिलेगा, नाइन डी मिलेगा, ठीक है। हम बोले एंथ टर्म बताइए तो ए प्लस एंथ टर्म है तो एक कम डी मतलब नाइन माइनस वन डी मिलेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला ये फॉर्मूला कि जो भी टर्म आप एपी में लिखिएगा उसमें डी जो है एक कम मिलेगा, जो जिस नंबर पे वो टर्म है, जैसे एन नंबर पे तो एन माइनस वन हो जाएगा, टेन नंबर पे तो टेन माइनस वन नाइन मिल गया आपको, थ्री नंबर पे है तो थ्री माइनस वन आपको टू डी मिल गया, फोर नंबर पे है तो फोर माइनस वन आपको थ्री डी मिल गया, समझ गए। ये कहाँ से आया, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, हमने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके इसके पैटर्न का पता लगा लिया कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है एपी। तो एपी जो है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, इसका कोई भी टर्म आप इस पैटर्न से निकाल सकते हैं किसी भी एपी का, समझ गए। इसका एक दूसरा तरीका भी है जो थोड़ा सा लेंदी है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। इसमें हम फर्स्ट टर्म को टी वन कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी ही रखते हैं, ठीक है। अब एपी से क्या है कि जो डिफरेंस है वो बाद, जैसे एपी को इसको हम इसमें कैसे लिख सकते हैं कि टी वन टी टू टी थ्री टी फोर, ये एपी है अगर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो एपी के अनुसार मतलब ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इसे नंबर ऑफ टर्म चल रहा है, ठीक है। तो एपी के अनुसार क्या होगा कि टी टू माइनस टी वन करेंगे तो डी आ जाएगा, आएगा ना। टी थ्री माइनस टी वन करेंगे तब भी डी आएगा, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है, सॉरी टी टू करेंगे तो टी फोर माइनस टी थ्री करेंगे तब भी डी आएगा, समझ रहे हैं। इस तरह से बढ़ते जाएगा आगे प्रक्रिया और लास्ट में क्या होगा कि जो टर्म अगर टी एन है उससे एक पहले वाला टर्म माइनस करेंगे मतलब एन माइनस वन वाला टर्म माइनस करेंगे तब भी डी आएगा, आएगा ना। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ क्या है कि जब आप इसको ऐड करिएगा, ऑन एडिंग, तो ऐड करिएगा तो टी टू माइनस टी टू कट गया, कटेगा ना, टी थ्री माइनस टी थ्री कट गया, इस तरह से टी फोर यहाँ कहीं माइनस टी फोर होगा कट जाएगा, इस तरह से ये टी एन इधर होगा, टी एन माइनस वन टी एन माइनस वन इधर होगा कट जाएगा। तो अपने पास बचा क्या, माइनस टी वन प्लस टी एन बच जाएगा लेफ्ट में, राइट में डी प्लस डी प्लस डी प्लस कितना बार, एन माइनस वन टाइम्स, एन टाइम्स नहीं होगा, एन माइनस वन टाइम्स। जैसे सिंपली आप ऐसे समझिए कि हम एपी लिख रहे हैं टू फोर सिक्स एट, तो इसमें डी कितना आएगा, फोर माइनस टू करेंगे टू आएगा, सिक्स माइनस फोर टू आएगा, एट माइनस सिक्स टू, डी तीन ही बार आया ना, तो जितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा उससे कम एक डी रहेगा, समझ गए। तो अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये बन गया आपका टी एन माइनस टी वन इक्वल टू एन माइनस वन इन टू डी। तो टी एन इक्वल टू क्या हो गया, टी वन टी एन टी वन सॉरी टी वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और टी वन क्या है, फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म को हम लोग एपी में जनरली ए मानते हैं, तो ये हो गया टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर सिंपली ऑब्जर्व कर लीजिए, आप ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं कि जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं उसमें एक कम डी मिल रहा है, समझ गए। अब क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एपी दिया हुआ है थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, इसका सिक्सटीन्थ टर्म निकालना है, ये आगे भी जा रहा है इन्फाइनाइट तक। तो यहाँ पे ए कितना है, थ्री है, डी कितना है, टू है, कोई भी टर्म लिए उससे पहले वाला टर्म माइनस करके देख लिए, पहले से दिया हुआ है कि ए पी है, ये हमको प्रूफ नहीं करना है, तो ए पी है तो माइनस किए टू, मतलब यही कॉमन डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। सिक्सटीन्थ टर्म निकालना है मतलब टी सिक्सटीन्थ निकालना है, क्या होगा, तो चलिए टी एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
पता है। अब टी 16th निकालना है, मतलब n की जगह 16 रखेंगे तो इधर भी n की जगह 16 रख देंगे, और d कितना है 2, और a कितना था यहाँ, a की जगह उसका वैल्यू पुट कर देते हैं 3 प्लस ये हो गया 15 इंटू टी 2 30, 16 टर्म सिक्स का हो गया 33। समझ गए। फिर कह रहा है इसका nth टर्म निकालिए, ठीक है भाई nth टर्म निकाल रहे हैं तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब nth ही निकालना है तो इस पर्टिकुलर ap के लिए a तो हमको पता है, n नहीं पता है तो n ऐसे ही छोड़ देंगे, और d भी पता है हमको तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस, इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, 2n माइनस 2 मतलब 2n प्लस 1 हो जाएगा। ये जो tn का फॉर्मूला या 2n प्लस 1 इस पर्टिकुलर AP के लिए है, और ये जो TN का फॉर्मूला है ये सभी AP के लिए है। समझ गए। तो आप ये कह सकते हैं कि सर हम तो जब इस पर्टिकुलर AP के लिए TN का फॉर्मूला ये है तो इससे भी निकाल सकते हैं 16th टर्म। हाँ निकाल सकते हैं, चेक करके देखिए, n की जगह 16th रखिए, 2 इंटू 16 प्लस 1 32 प्लस 1 33 आ गया ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर दिक्कत है तो आप फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा वीडियो को, और फिर भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व कीजिए कि ना तो आपको फर्स्ट टर्म दिया है ना ही आपको कॉमन डिफरेंस दिया है, सीधा लिख दिया फोर्थ टर्म एट्थ टर्म। तो आपको पता नहीं है तो आपको तो मानना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म हमने ए माना और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिए, डी मान लिए, ठीक है। तो टी फोर क्या हो जाएगा, टी फोर का मतलब फोर्थ टर्म। तो फार्मूला आपको पता है, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब फोर्थ निकालना है तो एन की जगह फोर कर दीजिए, तो ए तो नहीं मालूम, ए ही रह जाएगा, एन पता है फोर, डी भी नहीं मालूम तो इतना ही रह जाएगा, ए प्लस थ्री डी हो गया। एट्थ टर्म कह रहा है, टी एट क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए, फोर्थ टर्म ये हो गया आपका एट्थ टर्म, ए प्लस एट माइनस वन इंटू डी, ए प्लस सेवन डी। अब क्वेश्चन कर रहा है कि सम करिए फोर्थ और एट्थ का, तो आपको मिल जाएगा 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी फोर प्लस टी एट इक्वल टू 24। टी फोर कितना है, ए प्लस थ्री डी प्लस टी एट कितना है, ए प्लस सेवन डी इक्वल टू 24। आगे अगर इसको सोल्व करेंगे 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, ए है ये, 2 कॉमन कर लिया तो a प्लस 5d इक्वल टू 24, 2 से कट गया 12 बार में, तो एक इक्वेशन हमें मिला a प्लस 5d इक्वल टू 12, ठीक है। नेक्स्ट क्या इसमें था गिवन कि सम करिए सिक्स और टेंथ टर्म को, तो चलिए सिक्स और टेंथ टर्म भी निकाल लेते हैं। नाउ सिक्स टर्म कितना हो जाएगा, मतलब टी सिक्स निकालना है तो ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी, ये हो गया ए प्लस फाइव डी। अब कह रहा था फिर टेंथ टर्म, मतलब टी टेन निकालना है तो ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी, मतलब ए प्लस हो गया नाइन डी। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि सम करिएगा सिक्स और टेंथ टर्म को तो 44 मिलेगा। तो हम ऐड कर देते हैं सिक्स टर्म और टेंथ टर्म को, तो हमको 44 मिल जाएगा। ये हो गया a प्लस फाइव डी प्लस ए प्लस नाइन डी इक्वल टू 44, ये हो गया 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, 2 कॉमन a प्लस 7d इक्वल टू 44, 22 बार में कट गया ये, तो क्या मिला a प्लस 7d इक्वल टू 22 सेकेंड इक्वेशन। अब इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेंगे।
तो क्या आया, नाउ ए प्लस 5d इक्वल टू कितना है 12, और ए प्लस 7d 22, 12 ए प्लस 7d इक्वल टू 22। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10, 5 बार में कट गया तो d का वैल्यू कितना आ गया 5। अब वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था, ए प्लस 5d इक्वल टू 12 है, ए प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो ए प्लस 25 इक्वल टू 12, ए इक्वल टू माइनस 13। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए और डी हमको दोनों पता चल गया, डी मेरा है कितना 5 और ए कितना है माइनस 13। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, ए बी का फर्स्ट तीन को टर्म निकालना है, तो नाउ ए पी क्या होगा, फर्स्ट टर्म माइनस 13, सेकेंड टर्म डी 5 है, 5 ऐड करिए तो माइनस 8 हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस 3 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, लेकिन तीन ही टर्म निकालना था, तो इतना आंसर। आप प्लस 5 ऐड करते जाइएगा, नेक्स्ट टर्म इसका मिलते जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ऑफ एन ए पी, ए पी दिया हुआ है, उसका पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म है, दिया हुआ है ए बी सी, मतलब पी एथ टर्म का, पी एथ टर्म ए है, क्यू एथ टर्म बी है और आर एथ टर्म सी है, शो करना है इतना, ठीक है, करते हैं शो। तो जनरली अब हमको तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया नहीं है, तो एज यूजुअल मानना पड़ेगा कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी बी, ए मानते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे रुक जाइएगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा, ए पी में दिया है, पी एथ टर्म को ए दिया है, तो आप ए मत मानिए कंफ्यूजन से बचने के लिए। आपको बताते हैं आगे क्यों, हम मान लेते हैं इसको एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी नहीं मानेंगे, पी क्यू आर नहीं मानेंगे, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं हम लोग, डी, ठीक है, डी इसलिए माने क्योंकि क्वेश्चन में डी नहीं था। अब हम फार्मूला जानते हैं, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, दिया है पी एथ टर्म, मतलब टी पी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ मेरा एक्स है, प्लस एन, एन तो एंथ टर्म के लिए था ना, पी टर्म है, तो पी टर्म के लिए पी हो गया माइनस वन इंटू डी, टी क्यू क्या होगा, तो एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, एंड टी आर क्या होगा, तो एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला था देख लेते हैं ज़रा, कि पी एथ टर्म ए है, पी एथ टर्म, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी एथ टर्म को टी पी कर देते हैं सीधा, टी पी इक्वल टू ए दे दिया था, और टी पी मेरा कितना आया है, एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए, यही है ना, एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ए मान लेते तो कन्फ्यूजन क्या होता, एक्स की जगह अगर ए लिखते तो ऐसे लिखते हम लोग, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए, अभी ए और ए उधर जाके माइनस होके जीरो हो जाता। अब देखिए कन्फ्यूजन यही हुआ, ये ए दूसरा है, ये फर्स्ट टर्म वाला ए है, और ये ए दूसरा है, ये जो दिया हुआ है, तो आप बनाने लगिएगा ना तो आपको दिमाग में नहीं रहेगा ये बात, आप गड़बड़ कर दीजिएगा। उतना कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया, ए न मान करके एक्स माना, समझ गए कि हम फर्स्ट टर्म पर यहाँ पर एक्स क्यों माने, क्योंकि क्वेश्चन में ए दे दिया था ऑलरेडी, और ए मानते तो गड़बड़ हो जाता। चलिए ये तो हो गया, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कह रहा था, पी एथ टर्म तो ए था, क्यू एथ टर्म था बी, तो टी क्यू था बी, तो इसका मतलब था एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी, सेकेंड इक्वेशन, एंड टी आर था सी, यही था ना, आर्थ टर्म सी, ठीक है।
इसका मतलब हुआ x प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी, थर्ड इक्वेशन। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है a इंटू क्यू माइनस आर, b इंटू आर माइनस पी, c इंटू पी माइनस क्यू। मतलब a में q माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है, b में r माइनस पी से मल्टीप्लाई करना है, और c में p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए a फर्स्ट इक्वेशन में है, b सेकंड इक्वेशन में है, c थर्ड इक्वेशन में है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, a में मल्टीप्लाई करना था कितना से, q माइनस आर से। तो a फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ इसको नहीं ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब इसमें करेंगे तो इसमें भी करना होगा, करने का मतलब पूरा इक्वेशन में करना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिखा बाय कितना q माइनस आर, सेकेंड बाय b को कितना से करना था, r माइनस पी से, r माइनस पी, एंड थर्ड बाई पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। तो क्या मिला, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट था x प्लस पी माइनस वन इंटू डी, पी माइनस वन इंटू डी, और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, फर्स्ट को, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, एक मिनट, और यहाँ ऐड भी तो हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करने से सिर्फ थोड़े ना हो जाएगा, ऐड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं एंड एडिंग, मतलब सबको मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना है, वी गेट, या फिर यहाँ पे अलग लिख करके भी ऐड कर सकते थे, तो हम ऐड कर रहे हैं, पहले लेफ्ट वाला को लेफ्ट वाला से ऐड कर लेंगे। फिर एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, सेकेंड में मल्टीप्लाई करना था कितना से, आर माइनस पी से, इंटू आर माइनस पी, प्लस थर्ड को मल्टीप्लाई करना है पी माइनस क्यू से, एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी, एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी, इसको करना है पी माइनस क्यू से, पी माइनस क्यू इक्वल टू, ए को करना था क्यू माइनस आर से, बी को करना था आर माइनस पी से, सी को करना था पी माइनस क्यू से, तीनों को ऐड कर देना था, यही था, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर प्रूव हो जाएगा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी प्लस x इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी प्लस x इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। अब यहाँ पे देखिए, इस टर्म में x है, इस टर्म में x है, और इस टर्म में x है, तो x कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस। अब इस टर्म में d है, इस टर्म में d है, और इस टर्म में भी d है, तो d कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस, एक इसको यहाँ लिख देते हैं, प्लस कितना बचेगा, r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है, इक्वल टू a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। ये हो गया, अब सॉल्व करिए। यहाँ देखिए, q प्लस में माइनस में कट गया, r माइनस आर जीरो, p माइनस पी जीरो, ये हो गया x इंटू जीरो प्लस, डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हैं,
आपको समझाने के लिए बस जीरो लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इन दोनों को, तो क्या मिलेगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है क्या, मिला प्लस में और माइनस में कट गया, पी आर माइनस में प्लस में कट गया, और कुछ क्यू आर प्लस में माइनस में कट गया, क्यू माइनस प्लस कट गया, पी प्लस माइनस कट गया, आर प्लस और माइनस कट गया, मतलब ये भी जीरो ही आ गया। अच्छा ये इक्वल टू तो बच ही गया लिखना, क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। अब ये टर्म जीरो, ये पूरा टर्म, ये भी टर्म जीरो, ये जीरो, तो डी इंटू जीरो जीरो, एक टर्म एक स्टेप चलिए आपको और बढ़ा देते हैं कन्फ्यूजन ना हो, डी इंटू जीरो इक्वल टू ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। अब देखिए ये वाला तो सब टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था ना क्वेश्चन में, देखिए हो गया, उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि इफ़ द एम्थ टर्म ऑफ एन ए पी बी वन बाई एन एंड इट्स एंथ टर्म बी वन बाई एन एम, देन सो डैट इट्स एम एंथ टर्म इज वन। चलिए एंथ एम्थ में कन्फ्यूजन नहीं करना है, सिंपली बनाएंगे। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म ना मालूम है और ना ही हमको कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो एज यूजुअली मान लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, एम्थ टर्म, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं कि टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एंथ टर्म के लिए फार्मूला है। तो एम्थ टर्म निकालना है तो टी एम निकाल रहे हैं हम लोग, तो एन की जगह एम हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और एंथ टर्म कितना है, टी एन एंथ टर्म भी निकालना है ना, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एम्थ टर्म जो है, एम्थ टर्म जो है वन बाई एन है, तो एम्थ टर्म तो मेरा इतना आया, तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन बाई एन हो गया, एंड जो एंथ टर्म है वो वन बाई एम है, तो एंथ टर्म तो इतना आया, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन बाई एम, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं क्या क्या आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आया था ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन बाई एन और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन बाई एम। अब हमको यहाँ पे दो इक्वेशन टाइप का मिल गया, टाइप का क्या इक्वेशन ही है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए अगर हम घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा ये वाला, अब सिर्फ एक ही वेरिएबल से डील करना होगा डी वाला से, तो ए और डी में से एक ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ डी वाला बचेगा, तो ये हो जाएगा एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन बाई एन माइनस वन बाई एम। यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डी कॉमन ही कर लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा एम माइनस वन माइनस एन माइनस वन, ये हो गया एम माइनस एन बाई एम एन, डी हो गया कितना एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन, वन वन ख़त्म हो गया, एम माइनस एन बाई एम एन हो गया, तो डी कितना हो गया एम माइनस एन इक्वल टू
कितना आया, ये फिर से कट गया, तो डी का वैल्यू मिला 1/mn। अब यहाँ से ए का वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं किसी में भी फर्स्ट या सेकंड में पुट करके। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, क्या मिलेगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n है। तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी कितना है, 1/mn इक्वल टू 1/n है। तो ए प्लस एम माइनस वन बाई एम एन इक्वल टू 1/n हो गया। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 1/n माइनस एम माइनस 1/mn। तो ए इक्वल टू एम एन हो गया, एल सी एम, एम माइनस हो गया ये एम माइनस वन। तो ए इक्वल टू एम माइनस एम प्लस 1/mn, ये कट गया। तो ए का वैल्यू आ गया 1/mn, ए भी 1/mn आ गया, डी भी 1/mn आ गया। अब हम लोगों को प्रूफ करना था कि mnth टर्म 1 होगा, मतलब टी एम एन 1 होगा। चलिए प्रूफ करते हैं, टी एम एन कितना हो जाएगा फार्मूला से, ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। अरे देखिए टी एन इक्वल टू होता है ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ एन तो यहाँ एन, यहाँ एम एन तो यहाँ भी एम एन, समझ गए। अब ए का वैल्यू अभी निकाले हैं कितना है, 1/mn, डी भी उतना ही है, दोनों का पुट कर देते हैं, 1/mn प्लस एम एन माइनस वन इंटू 1/mn, ठीक है। 1/mn अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस इसमें बच जाएगा एम एन माइनस वन, ये वन से वन ख़त्म। तो 1/mn इंटू एम एन कट गया, 1 आया, तो टी एम एन इक्वल टू 1 आ गया। और यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ्ड कि एम एन टर्म क्या होगा, 1 होगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी, किसी एपी के इंड से अगर nth टर्म निकालना होगा। अभी तक हम लोग जितना भी nth टर्म निकालते आ रहे हैं वो एपी के फर्स्ट टर्म से निकाल रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि आप एपी के अंतिम वाले टर्म से निकालिए, ठीक है। तो अगर हम लोग एपी के फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी, और लास्ट टर्म को एल, एल से हो गया लास्ट, लास्ट टर्म, ठीक है। तब एंथ टर्म फ्रॉम द इंड क्या होगा, एल माइनस वन, माइनस वन इंटू डी। जैसे एग्जांपल के लिए इसका हम पहले प्रूफ देख लेते हैं, फिर एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है। तो एपी को हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ए ए प्लस डी, जनरल फॉर्म यही बताए थे आपको, ए प्लस टू डी, इस तरह से बढ़ता है इनफाइनाइटली, ठीक। अब कह रहा है लास्ट टर्म से लेना है, मतलब हमको फाइनाइट को लेना है। तो अब हम क्या मान लिए कि यहाँ लास्ट टर्म एल है, ठीक है। अब ए पी हम लिए कुछ फाइनाइट टर्म तक, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डी हम ऐड करते जा रहे हैं। अगर हम शुरुआत वाले टर्म से चल रहे हैं तो सब में डी ऐड करते जा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। यही अगर हम देखें कि पहले वाला टर्म पता करना होगा तो डी माइनस करते जाएंगे, पहले वाला टर्म मिलता जाएगा, है ना। तो हम यही चीज़ का यूज यहाँ पे करेंगे कि हमको पता है कि लास्ट टर्म क्या है, एल। अगर हम पूछे कि इससे पहले वाला टर्म बताइए तो एल माइनस डी हो जाएगा, फिर पूछे कि इससे पहले वाला तो फिर से माइनस डी, मतलब एल माइनस टू डी हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ऑब्जर्व क्या कीजिएगा कि लास्ट टर्म जो है एल है, फिर सेकेंड लास्ट टर्म, सेकेंड, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड या लास्ट क्या है, एल माइनस डी आ रहा है। थर्ड टर्म फ्रॉम इंड क्या आ रहा है, जैसे उसको ऑब्जर्व करके किए थे इसको भी उसी तरह से ऑब्जर्व करके बनाएंगे, एल माइनस टू डी। तो इसमें देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म हम निकाल रहे हैं लास्ट से, जैसे लास्ट से गिनेंगे ये 1 2 3 ऐसे, तो जो नंबर ऑफ टर्म
हम लास्ट से निकाल रहे हैं उसमें डी एक कम आ रहा है, इसमें भी वही चीज़ हो रहा है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि ये थर्ड टर्म है तो यहाँ पे जो ये है एक कम डी आ रहा है, ये सेकेंड टर्म है तो इसका जो डी है एक कम आएगा, 2-1 × d। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं कि ये एक कम आ रहा है 0d, या फिर इसको इसे भी कर सकते हैं हम लोग कि l माइनस फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट में से एक कम गया इतना d, समझ गए। फोर्थ टर्म निकालना होगा, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तब क्या होगा इसका भी एक कम d आएगा, 3d आएगा। अब इसी तरह आपको कहें कि nth टर्म निकालिए फ्रॉम द एंड, तब क्या करिएगा एक कम d आएगा, आया ना, उसमें भी एक कम डी आ रहा था, इसमें भी एक कम डी आ रहा है, दोनों में सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि जब हम लोग शुरू से निकालते हैं तब यहाँ पर ऐड होता है शुरू वाला टर्म के बाद, और लास्ट वाला टर्म के बाद माइनस होता है। जैसे समझिए टी एन का हम दो फार्मूला जान गए, अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एन का एक और फार्मूला जान गए एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें समझना यही है कि जब शुरू वाला टर्म ले रहे थे तो यहाँ ऐड हो रहा था, लास्ट वाला टर्म ले रहे हैं तो यहाँ माइनस हो रहा है, होगा ही। अब जैसे देखिए इसी को 2, 4, 6, 8, 10, 12 इतना ही रखते हैं। शुरू वाला टर्म से अगर नेक्स्ट टर्म निकालना चाहे तो प्लस 2 ऐड कर रहे हैं, फिर इससे नेक्स्ट टर्म निकालना चाह रहे हैं तो प्लस 2 ऐड कर रहे हैं, मतलब यहाँ प्लस हो रहा है शुरू के टर्म से ले रहे हैं तो। अब हम लास्ट के टर्म से इसका पहले वाला टर्म निकालना चाहते हैं तो माइनस करना पड़ रहा है हमको, प्लस में मतलब माइनस 2 करना पड़ रहा है, फिर इसमें ये वाला टर्म अगर निकालना चाह रहे हैं तो इससे ये माइनस करना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो रहा है। ऑब्जर्वेशन तो सेम ही है, डी तो एक कम ही आता है, उम्मीद है आप लोग मेरे इस बात को समझ गए होंगे। इसको यूज कैसे कीजिएगा, जब फर्स्ट टर्म दिया रहेगा तो ये लगा दीजिएगा फार्मूला, जब लास्ट टर्म से निकालना रहेगा तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन क्या होगा, जैसे ज़रूरी नहीं है, जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम, 2-4 वाला, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अगर क्वेश्चन कहेगा, लिखा रहेगा कि लास्ट से सेकंड टर्म बताइए, जैसे यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, इतना ये हो गया लास्ट से सेकंड टर्म, तो अगर आप इसको लिखिएगा तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 लास्ट से सेकंड टर्म ये वाला हो जा रहा है, हो रहा है ना, और यही क्वेश्चन रहेगा शुरू से सेकेंड टर्म तो ये वाला, दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म आ रहा है। तो क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, अगर बोलेगा कि एंड से निकालना है उस टर्म को तो आप ये फार्मूला लगाइएगा, और कुछ नहीं लिखेगा तो आप सिंपली ये लगाइएगा, मतलब उसको शुरू से ही बता रहा है, समझ गए। अब है क्वेश्चन, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। करा 11th टर्म निकालिए फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, शुरू वाला, शुरू से 11th गिन के नहीं, लास्ट से गिन के 11th निकालिए, समझ गए। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमको लास्ट से निकालना है तो लास्ट टर्म कितना हो गया -62 हुआ ना, फिर ए का यूज नहीं होगा यहाँ पे, क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे पहले आपको बता चुके हैं, शुरू से निकाल रहे थे तो यहाँ ए था और लास्ट से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एल है, और प्लस माइनस का डिफरेंस है बस, ठीक है। तो ए निकाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से, क्योंकि लास्ट से 11th टर्म पूछ रहा है। एन का यूज होगा तो एन पता है 11th टर्म निकालना है, और डी का यूज होगा तो डी किसी भी टर्म से पहले वाला टर्म माइनस कर लीजिए, निकल जाएगा -3। अब हमको 11th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, क्या फार्मूला बताए थे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, पुट कर दीजिए -62 - 11 - 1 - -3 - 62 - 10 - -3 -62 + 30 तो -32 हो गया। इधर से जब 11 बार गिन के पहुँचिएगा तो -32 मिलेगा, उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। तो पहले तो जितना मल्टीपल है हम लोग लिख लेते हैं, तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 and 250 आर, क्या हो जाएगा,
तो 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 से शुरू करिए क्योंकि 10 से बाद लिखना है, 10 और 250 के बीच में। फिर 16, 4 का टेबल पढ़ते जाइए, 20 इस तरह से कहाँ तक, तो 250 से पहले आ जाएगा 248। 4 से डिविजिबल है ये, देख लीजिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, मतलब पूरा डिविजिबल है। उम्मीद है आप समझ गए इसको हम कैसे लिखे हैं। अब कह रहा है ये टोटल बताइए कि एन कितना है, टोटल नंबर कितना है, यही तो पूछ रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स। तो टोटल मल्टीपल्स हमने लिख दिया, अब बताना है टोटल नंबर कितना है। क्वेश्चन का मतलब है एन इक्वल टू वाट। तो यहाँ पर कितना है, ए है 12, डी है 4, और जो एंथ टर्म है हमको नहीं पता है कि कैवा टर्म पे है, तो हम इसको मान लिए एनवा टर्म, एंथ टर्म पे है ये 248, ठीक है। और फार्मूला हम लोग जानते हैं टीएन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, टीएन इक्वल टू 248 हो गया। ए हो गया 12 प्लस एन कितना है नहीं मालूम, माइनस वन इंटू डी कितना है 4, ये कटेगा, सॉरी ये माइनस होगा इधर आके, तो ये कितना हो गया, एन माइनस वन इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 4 इक्वल टू 6 3 236, 4 से कट जाएगा ये 59, तो एन इक्वल टू 59 प्लस 1, एन का वैल्यू कितना आ गया 60। इसका मतलब हुआ कि ये टोटल नंबर 60 है, तो 60 ऐसे हैं नंबर्स जो 4 से मल्टीपल, 4 के मल्टीपल हैं, 10 और 250 के बीच में आता है। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट टर्म, और ये हो गया फ्रॉम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से लेंगे तब ये फार्मूला लगाना है, फर्स्ट टर्म का यूज करेंगे तब ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द एंथ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतना एंड इतना आर इक्वल। ये सीबीएसई में पूछा गया है 2 साल 8 और 17 में। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ एन द एंथ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ये एपी दिया है और एक ये एपी दिया है, ठीक है। तो एन का किस वैल्यू के लिए, एन का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए इस एपी में और इस एपी में एंथ टर्म इक्वल हो जाएगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हमारे पास 2 एपी है, एक है 63, 65, 67 ये, और दूसरा एपी है 3, 10, 17 ये। तो कह रहा है एन के किस वैल्यू के लिए एंथ टर्म इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसका एंथ टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए है 63 और डी है ये 65 है, 65 माइनस 63 2 मिल जाएगा, तो टी एन निकालिए तो कितना आता है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गया आपका 61 प्लस 2n, इससे निकल गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 7, इसका टी एन निकालिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 4, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों इक्वल है, इसका एंथ टर्म और इसका एंथ टर्म दोनों इक्वल है, तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7 माइनस 4, 7n माइनस 4, ये हो जाएगा कितना 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस 4, ये आ गया 5n इक्वल टू 65, n का वैल्यू आ गया 13, मतलब n का जो 13th नंबर है, 13th नंबर T13, तो इस एपी का जो 13th नंबर पोजीशन पे जो नंबर मिलेगा और इस एपी के 13th पोजीशन पे जो नंबर मिलेगा वो दोनों इक्वल होगा n के 13 वैल्यू के लिए, समझ गए। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं खुद से, देखिए इस फॉर्मूला में आप T13 निकालिए तो T13 क्या हो जाएगा, 61 प्लस 2 इंटू 13 26, 787,
इस फॉर्मूला में आप T13 निकालिए, 87 ही आएगा, चेक करिए। T13 7 इंटू 13 माइनस 4, 91 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 87 आ रहा है ना इक्वल। तो यही क्वेश्चन कर रहा था कि इस एपी में, इस एपी में कौन सा टर्म, कैमा टर्म और इस एपी का कैमा टर्म दोनों इक्वल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, एपी में हम टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करें। तो देखिए, समटाइम्स वी रिक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, द फॉलोइंग वेज ऑफ सिलेक्टिंग टर्म्स जनरली वेरी कन्वीनियंट। मतलब कभी कभी हमको कुछ खास नंबर का ज़रूरत पड़ता है, खास नंबर ऑफ टर्म का ज़रूरत पड़ता है एपी में, तो उसको हम लोग कैसे लेंगे। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि एपी का जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये तो एपी है ही। लेकिन जब हमको, जैसे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन रहेगा उसमें तीन टर्म का ज़रूरत पड़ गया, तो आप ये एपी लीजिएगा तो बनेगा, लेकिन हो सकता है लेंदी प्रोसेस जाए। तो इसको ईजी बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा एपी लेते हैं तीन टर्म के लिए जो कि जिसको ऐड करें तो ईजिली एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए और एक वेरिएबल बचे। जैसे दो वेरिएबल है, एक तो ए है और एक डी है, दोनों में से कोई नहीं मालूम है। अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये 3a प्लस 3d हो जाएगा। अब कैसे फाइंड कीजिएगा, क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझ में आएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी इसको देखिए, जब तीन टर्म रहेगा तो इसको लीजिएगा, एक टर्म लीजिएगा a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, ये ap में है, आप माइनस करके देखिए। चलिए आपको दिखाते हैं माइनस करके, थ्री टर्म्स के लिए a माइनस डी, a और a प्लस डी, आप a माइनस डी करिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d मिला, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करिए तब भी d मिला। डिफरेंस कॉमन आ रहा है, मतलब ये ap है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, d। वही चीज़ यहाँ है कि जब ap रहेगा तीन टर्म तो ये वाला लेना है और इसका कॉमन डिफरेंस आएगा d, ठीक है। चार टर्म रहेगा तो ये वाला एपी ले लीजिए, ये वाला टर्म ले लीजिएगा। पांच टर्म रहेगा तो ये टर्म ले लीजिएगा, छह टर्म रहेगा तो ये टर्म ले लीजिएगा। और इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स ए बी सी आर इन ए पी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, इसका एंगल ए पी में है, ये तीनों ए पी में है, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि तीन एंगल है, मतलब तीन को हमको टर्म लेना है इसमें, तो जब तीन टर्म लेना है तो अपने कन्वीनियंट के लिए क्या ले लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ले लेंगे। अभी बताएं ना, तीन टर्म लेना रहेगा तो ये ले लेंगे। तो लेट द एंगल्स बी ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये कब लेंगे, जब इसका एंगल्स दिया है कि ए पी में है तब, ए पी में नहीं रहेगा तब इस तरह से हम लोग नहीं लेंगे, तब आप ए बी सी एक्स वाई जेड जो लेना होगा ले लीजिएगा, ठीक है। अभी ए पी में है तो ये होगा। अब कह रहा है कि रेशियो ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल दे दिया है 1:3। तो सबसे पहले उसको हम देखते हैं बाद में, पहले हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए, ऐड किए तो ये कट गया, यही फायदा है इस तरह का एपी लेने का, इस तरह का टर्म लेने का, तीन टर्म में एपी में एक वेरिएबल ख़त्म हो जाता है। अब बचता है सिर्फ एक ही वेरिएबल, ए का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट एंगल का रेशियो 1:3 है। तो यहाँ देखिए कि जो कॉमन डिफरेंस था इसमें माइनस हो रहा है और इसमें ऐड हो रहा है, तो ये हो गया लीस्ट और ये हो गया ग्रेटेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लीस्ट और ग्रेटेस्ट, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू मान लेते हैं 7 और डी इक्वल टू मान लेते हैं 2, ठीक है। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि जब दोनों पॉजिटिव होगा
तो इस केस में ये सबसे छोटा वैल्यू, ये सबसे बड़ा वैल्यू। अब चेक कर लीजिए, ए माइनस डी, सेवन माइनस टू करिए और ये देखिए तो कितना हो गया, 579। ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा मिला ना। यही बात हम कहना चाह रहे थे कि एंगल होता है पॉजिटिव, तो ए और डी दोनों का वैल्यू होगा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव लीजिएगा दोनों, तब ए माइनस डी सबसे छोटा, ये आपको मिलेगा सबसे लीस्ट नंबर और ये आपको मिलेगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। समझ गए? तो लीस्ट और ग्रेटेस्ट का रेशियो हम लोग कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू ए माइनस डी इक्वल टू ए प्लस डी, 3 ए माइनस 3 डी इक्वल टू ये कितना हो गया, 60 प्लस डी, 3 इंटू 60 माइनस 3 डी इक्वल टू 60 प्लस डी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस 3 डी इक्वल टू 60 प्लस डी, 60 प्लस डी तो ये हो गया कितना, 120 इक्वल टू 4 डी, ये कट गया 30 बार में तो d का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। a कितना आया था, a आया था 60 डिग्री, d आया 30 डिग्री। अब एंगल्स कितना होंगे, r फर्स्ट तो था a माइनस डी मतलब 60 माइनस 30 इक्वल टू 30, फिर था a मतलब 60, फिर था a प्लस डी मतलब 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। जोड़ के देखिए 180 आ रहा है ना, और इनको देखिए कि ए पी में है कि नहीं है, तो है, इनका कॉमन डिफरेंस 30 आ रहा है, आपका ये हो जाएगा आंसर। समझ गए? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ये वीडियो लास्ट हो जाएगा। इस लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इस तरह के टर्म्स लेने पर फिक्स टर्म में आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है इफ द जीरो जब द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया है एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 39x प्लस के, और दे दिया कि ए पी में है, तो इसका के का वैल्यू निकालना है। क्या ए पी में है, तो जीरोज, इस पॉलिनोमियल का जीरोज ए पी में है। तो ये पॉलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, और जितना पावर होता है, जितना जो इसका डिग्री होता है, डिग्री इसका 3 है, उतना ही इसका जीरोज होता है, मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। ठीक है, तो इसका 3 जीरोज होगा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 3, a का मतलब एक्स क्यू का जो कोफिशियंट है, b इक्वल टू माइनस 12, c इक्वल टू 39 एंड d इक्वल टू k। ठीक है, अब लिखेंगे कि सीन्स जीरोज ऑफ द एफ एक्स आर इन ए पी, देन लेट w माइनस d w एंड w प्लस d बी द जीरोज ऑफ द एफ एक्स। ये समझ में आया, ए पी में था और आपको बताया कि इसका 3 जीरोज होगा क्योंकि डिग्री इसका 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो w माइनस डी फर्स्ट मान लिया जीरोज, सेकेंड w और थर्ड w प्लस d, a माइनस डी a और a प्लस डी के फॉर्म में माने हैं। यहाँ पे a क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे a है तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए a नहीं लिखे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा जो है आपका w माइनस डी मिला, बीटा आपको मिल गया w और गामा आपको मिल गया w प्लस डी। अब हम जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब तीनों जीरोज को जोड़ते हैं तब होता है माइनस बी बाई ए आता है। अब देखिए तो अल्फ़ा कितना था, w माइनस डी जोड़ दीजिए, बीटा कितना है w, गामा कितना है w प्लस डी, तो ये माइनस, बी का वैल्यू कितना माइनस 12 और ए का 1, तो माइनस माइनस 12 और 1। अब देखिए ये जो तीन लिए थे ना इस फॉर्म में, इससे बेनिफिट ये हुआ कि ऐड किए तो एक वेरिएबल ख़त्म हो गया, अब सिर्फ एक ही वेरिएबल से हम लोग को डील करना है। समझ गए बात, अगर हम इसको
इस फॉर्म में लेते हैं ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, तो ये नहीं होता, आपको दिक्कत होता बनाने में। w w प्लस डी w प्लस टू डी करते तो दोनों वेरिएबल मिल जाता, फिर सोल्व भी नहीं होता जल्दी, समझ गए। w का वैल्यू आ गया 4। नाउ हम जानते हैं कि w इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। W क्या है? पॉलिनोमियल एफ एक्स का एक जीरोज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस एफ एक्स में, एफ एक्स का वैल्यू कितना था, एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 39x प्लस के था, और W जब जीरोज है तो x के जगह पे हम W पुट करेंगे तब ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात कि x के जगह हम जब w पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और w कितना है 4 है, तब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 पुट कर दीजिए, तो 4 का क्यूब माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 39 इंटू 4 प्लस k इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कीजिए, 64 माइनस 192 प्लस 156 प्लस k इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा आपका 220 माइनस 192 प्लस के इक्वल टू जीरो, ये आपका हो गया कितना 28 प्लस के इक्वल टू जीरो, के का वैल्यू कितना आ गया माइनस 28। तो समझ गए आप लोग। अब वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को जितना बताया गया अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।